this evolution is to enhance learning and monitor progress of students by getting feedback. जब students का feedback हमारे पास आएगा तो हमारे पास एक पूरा result आ जाएगा कि कौन सा student किस तरह पढ़ रहा है, फिर उसके बाद हम उसकी progress के लिए कोई भी step लेंगे ना कि उसका result सही नहीं आया। ये देखिए इसका ये एक cycle दिया हुआ है। सबसे पहले goal set किए गए हैं इसके कि students को किस तरह उसको लेके चलना है, फिर उसके बाद teacher teachings and learning programs. Teaching and programs. हाँ, इसके बाद फिर हम teaching and learning programs पे focus करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो जो teacher ने method adopt किया था वो work कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जब वो work कर रहा होगा तो फिर उसमें हम gap देखेंगे students की capacity में, उसके understanding में कि वो lesson किस तरह teacher का ले रहा है। अगर तो gap आया तो फिर हम next step लेंगे उसको improve करने के लिए, teacher की training करेंगे या फिर students का feedback घर में देंगे ताकि parents भी students पे तवज्जो दें और फिर उसके बाद result आएगा। अब ये example है formative evolution कि अब देखें teacher एक आया है, उसने पहले lesson दिया, उससे पहले lesson देने से पहले वो सवाल कर रहा students से कि इस topic के बारे में आप क्या जानते हैं, सबने अपनी अपनी राय दी। फिर उसके बाद teacher ने ना lecture दिया, उसके during में मतलब सवाल किया कि students को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर उसके बाद at the end पे उन्होंने students से सवाल किया, मतलब एक साथ students को ना लेके चले, continuous process है इसका। अब आते हैं summative, मतलब उसका खुलासा। जैसे summative का मतलब यही होता है ना, उसके summative evolution, when evolution take place solely at the end of unit, मतलब ये lecture के end पे, result के end पे, at the semester के end पे, या फिर जो एक साल की पढ़ाई होती है उसके end पे हम उसका वो result को भैया करते हैं। इसके important points हैं आगे का, इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन के मतलब बाद में होकर होता है और जो वो फॉर्मेटिव था वो ड्यूरिंग हो रहा था। इजी टू कंपेयर एंड एनालिसिस कि हम इसको, हमारे पास एक डेटा आ जाता है तो हम उसको आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह या कौन से टीचर, मतलब किस टीचर का रिजल्ट अच्छा है, किसका नहीं आया, कौन से स्टूडेंट से उनमें क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग के वीक पॉइंट्स हैं। कैन गेट लॉट्स ऑफ डेटा हेल्पिंग टू डिवेलप द ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स, फोकस ऑन द रिजल्ट। इसमें भी इसी तरह होता है, एक साइकिल होता है जिसमें सबसे पहले लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं, उसके बाद असेसमेंट जो होती है स्टूडेंट्स की उसको मैयर करते हैं, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे पीछे पड़े ना टेस्ट वगैरह लेते हैं इस तरह वो होता है। ये सारे जो प्रोसेस में इसका कंक्लूजन ना लास्ट मैयर करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ समेटिव एवोल्यूशन देखे, सेमिस्टर प्रोजेक्ट हो गया, इन द क्लास एग्जामिनेशन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, असेसमेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह जो होती है वो, एनुअल एग्जाम रिपोर्ट, मिड टर्म एग्जाम। डिफरेंसेस में देख लेते हैं, टू इम्प्रूव इंट्रैक्शन एंड गिव फीडबैक टू मेजर स्टूडेंट कॉम्पिटेंसी ऑन गोइंग थ्रू आउट यूनिट और एंड ऑफ यूनिट कोर्स ऑफ सेमिस्टर, एनहांस लर्निंग टू मेक जजमेंट। इसमें हम लर्निंग को ड्यूरिंग द लेक्चर, लेकिन जो सुमेटिव में है ना तो वो लास्ट में हम उसमें, हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसमें सिर्फ हम जजमेंट कर सकते हैं, इसमें एनहांस करते हैं उसमें जजमेंट करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस। ये इसकी समरी है, आप देख लें कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया।